हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं। और आज दोस्तों हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा एक टॉपिक। कल हमने एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस किए थे, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एनसीईआरटी का। इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा रिमूव्ड हो गया है, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सा आपका सिलेबस में है, कौन सा रिमूव कर दिया गया है न्यू बुक में। अगर आप एनसीईआरटी की न्यू बुक लेंगे जो न्यू आया है 2023 का, तो उसमें जो पिछले साल रिमूव सिलेबस है वो नीचे साइज को ही हटा दिया है। तो पिछले एनसीईआरटी बुक में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिखाता था, मेडियस पिटिंग से फैक्टराइज करना सिखाता था क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इस बार ये सिलेबस में इस पर क्वेश्चंस नहीं है, हालांकि इसका फार्मूला दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, बट वो फार्मूला नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं दिया है। समरी में इसके डेटा दे रखा है, तो इस बार ये सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैं सिखाऊंगा एक दो क्वेश्चन आपको करके ज्यादा से ज्यादा। तो आज हम जो टॉपिक सीख रहे बेटा, मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम ऐसा करने वाले हैं कि हम आज मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे। लेकिन मिडिल स्प्लिटिंग जब आप करते हैं बच्चे, तो उसमें एक टॉपिक आता है कॉमन। तो हाउ वी टेकिंग कॉमन, ये हम सीखने वाले हैं। देखिए कॉमन की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं इन दोनों की कॉमन की बात करूं, ये दो मार्कर ले लेता हूं, अगर मैं बोलूं इन दोनों मार्कर में कॉमन बात करता हूं, तो कॉमन क्या बच्चे जरा सुनिएगा, ये भी मार्कर है ये भी मार्कर है, कॉमन बात है। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है ये भी व्हाइट बोर्ड मार्कर है, कॉमन बात है, ठीक है। ये इरेजिबल होता है, रफेबल होता है, जो भी लिखते हैं, ये भी परमानेंट नहीं, ये भी परमानेंट नहीं, तो ये कॉमन बात है। अगर दो लोगों की बात करें तो दो में कॉमन पॉइंट आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इनमें डिफरेंट पॉइंट बताओ, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, हो सकता है इसमें कंपनी तो नहीं लिखी, मे बी कंप्लीट कंपनी डिफरेंट हो, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट और कॉमन लेते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक आइडिया दिखा दे देता हूँ आपको, हालांकि कॉमन कैसे लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 6-7 के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो 28 डेज पहले अपलोड कर रखा होगा, आप देख सकते हैं वहां से। फिर हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, जिससे जिन बच्चों को नहीं आता बच्चे, तो वो भी समझ जाए कैसे कॉमन लेना है। सपोज करो कॉमन लेना, देखिए अगर आप 2 और 6 की बात करते हैं, इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर, क्या है जी कॉमन फैक्टर इनके बीच में, ठीक है, तो 2 है, क्योंकि 2 2 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, तो कॉमन हो गया, 2 2 से कर देगा, 2 3 जा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 6 को करेगा लेकिन 2 को नहीं कर सकता, तो कॉमन हुआ ही। अगर हम इसी तरह नंबर ले लें, जैसे ए और बी, यहाँ कॉमन फैक्टर, बेटा यहाँ कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, जहां कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो वहां क्या लेते हैं, 1। और देखिए जरा अगर मैं ऐसे लिखता ए बी कॉमा बी ए स्क्वायर, तो चेक करो जरा ध्यान से, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, देखो ये ज्यादा है, ए स्क्वायर यानी ए 2 times और यहाँ ए 1 time है, ए के ले लिया, बी यहाँ एक है, यहाँ एक कॉमन है, तो बी हो गया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया भाई इसमें बच्चे, ए बी हो गया। इसी तरह अगर आपको इसके बीच जैसे ऐसे देता ए बी प्लस बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर देता, तब कॉमन लेने का तरीका क्या है, वही है, देखो यहाँ ए 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो जो कम होता है वो लेते हैं, जैसे एस सी एफ लेते हैं आप, ए ले लिया, यहाँ बी 1 बार, यहाँ 1 बार, आप बी ले लो, बराबर है, जब कॉमन ले लेते हैं और प्लस माइनस कर दो तो ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब आप ये बताओ ए बी से भी बाहर कर दे रहे हो तो क्या बचेगा, 1 ए बी था बाहर निकला है, या फिर आप ऐसे समझो जो आप बेटे कॉमन लेते हो ना उसे से डिवाइड करते जाओ, आपने ए बी कॉमन लिया तो ए बी को ए बी से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया बेटा कैंसिल होकर के 1 आया, ओके। अगर आप ये आपका बी ए स्क्वायर है, अब आप फिर ए बी कॉमन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए बी आपका कट जाएगा, तो ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, क्या बचा बेटे ए। इस तरीके से आप कॉमन का मतलब होता है कि जिस वैल्यू को कॉमन लिया उसे गिवन चीज को डिवाइड करते जाइए, जो आएगा आपका आंसर बन जाएगा। एक और अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो मैंने 3x दे दिया प्लस 4x, अब कहां पर प्लस आएगा कहां पर माइनस ये देखना है, देखना या मैंने स्क्वायर ले लिया, ये 3 और 4 एक कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट एक्स या 1 time या 2 time क्या करो, 1x कॉमन, ध्यान से अगर आप माइनस लेते हो तब क्या बचेगा, ध्यान देना मैंने क्या बताया, जब आप कॉमन लेते हैं तो जिसको कॉमन लिया उसे डिवाइड करते जाओ, तो माइनस 3x को माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स एक्स कैंसिल 3 आया। इसी तरह अगला क्या है बेटा, 4x स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, तो ये 1x कैंसिल लेकिन ये माइनस 4x है, ओके, तो यहाँ क्या बन गया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिवर्स बैक करेंगे फिर से ये बेटा 3 बन जा माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर बन जा 4x और x स्क्वायर।
ये रिवर्स में वही मिलना चाहिए। तो ये बेसिक आइडियाज था बेटा कॉमन कैसे लेते हैं। अब देखिए कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म ऑलरेडी यस्टरडे मैंने बता दिया था आपको। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, उसका जनरल फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे तब वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। ठीक है तो देखिएगा करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट में। स्क्वायर के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको देखना, और ये दोनों क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। ओके अब आइए देखिए बच्चे, अगर आप बात कर रहे हैं कि ये जो है आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट देखिए क्या करता है, रूल समझिए। मिडिल स्प्लिटिंग, देखो स्प्लिट मतलब अलग करना, मिडिल मतलब बीच, यानी ऐसा दो फैक्टर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई ये बीच वाला जो टर्म होता है एक्स टर्म उसके दो फैक्टर आ जाए, यानी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो थ्री आ जाए। ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन अभी समझो आप ध्यान से देखना। तो यहां पर देखो कांस्टेंट वन है, टेन और इसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं, क्या लिया वन। तो आप जैसे ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी अकॉर्डिंग टू कंपेयर करने पर क्या आएगा, ए की वैल्यू वन है और बेटा सी की वैल्यू क्या है टेन। कर दिया कंपेयर, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दिया टेन है। अब स्टेप देखो अगला क्या, आप ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई टेन है। तो देखो मैं साइड लिख रहा हूं, टेन का फैक्टर क्या हो सकता था टू इंटू फाइव, टेन का फैक्टर और हो सकता था टेन इंटू वन, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, टेन और वन का मल्टीप्लाई टेन तो आएगा लेकिन इनको सेपरेट करने पर ये नहीं आने वाला, ऐड करने पर भी ये नहीं आएगा। तो कौन सा फैक्टर कंफर्टेबल रहेगा ये चेक करिए, फाइव टू का कितना हुआ टेन, और आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए माइनस थ्री आएगा। लेकिन आपको जब माइनस लेना होगा ना तो बिगर नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को प्लस लेंगे तभी माइनस थ्री आएगा। अगला भी देख लीजिए किसी को डाउट, अगर आप प्लस फाइव और माइनस टू लेते फैक्टर गलत हो जाएगा तब प्लस थ्री आएगा, आपको जरूरत किसकी है माइनस थ्री की। और अगर आप दोनों माइनस लेते तो हो जाता माइनस सेवन, यानी आपको जो नीड है वो ये दोनों नहीं है जी। ये चेक करिए नाम क्या था, मिडिल स्प्लिटिंग। आपने एक्स वाले फैक्टर को ऐसे ब्रेक कर दिया जिसके दो फैक्टर हो गए, क्या था माइनस फाइव और क्या मिला टू। देखो कैसा नाम पड़ा मिडिल स्प्लिटिंग, एक्स वाले टर्म को ब्रेक कर दिया। अब आप समझना एक्स में चल रहा है तो साथ में क्या ले लो एक्स, और एक प्लस एक माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों कॉन्स्टेंट वाले और आपको स्क्वायर वाले को नहीं ब्रेक कर, आप कॉमन लेना सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा ना थोड़ा कॉमन का आपको आइडिया दे दिया कॉमन लेते क्या है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप ये बताओ यहां पर वन है और यहां फाइव, वन और फाइव में वन लेने से कॉमन फर्क पड़ेगा नहीं, आप चलो लिख ही देता हूं वन और फाइव तो वन कॉमन है। अब आप चेक करो एक्स यहां टू टाइम्स यहां वन टाइम, तो क्या करो जितना लेस होता है ना वो लेते हैं, यहां वन टाइम है तो आप वन टाइम ले लो, ले लिया। अब स्टार्ट करो पेमेंट, देखो वही रूल जो वहां समझाया, पावर टू था यानी दो बार एक्स था तुमने एक बाहर कर दिया, एक एक्स बचता, यहां एक एक्स था उसको तुमने भेज दिया निकाल दिया तो बचा गया माइनस फाइव। जब यहां प्लस लिया है तो सोचना ही नहीं है, जो साइन जैसा होता है वही आएगा। जब माइनस कॉमन लेते हो तब आपको सोचना पड़ता है कि आगे प्लस माइनस में क्या आएगा, वो मैंने डिसाइड करके बता दिया साइन में कैसे फाइंड करोगे। अब तो ये दोनों प्लस है, क्वेश्चन कुछ सरल है चेक कर लेते हैं। हाँ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन साइन मिस्टेक लिख दिया बच्चे, कैसे पता लग गया मुझे। अब आप सोचो मैं बता रहा हूं, अगर आप टू और टेन में कॉमन क्या हुआ टू, एक्स यहां यहां पर नहीं है तो कॉमन हुआ नहीं। जब आप कॉमन लेते हैं इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, टू से टू कैंसिल तो वन एक्स, और वन ना लिखने की फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट में, प्लस इसको डिवाइड कर दो फाइव, ये देखो क्या ये सेम है। आपको एवरी स्टेप पे पता लग जाएगा फैक्टराइजेशन में आपका गलत है, ऐसे ये माइनस से प्लस से डिफरेंट हो गए मीन्स हमें पता लग गया था कि क्वेश्चन गलत है। क्रॉस चेक किया तो क्या पता लगा बच्चे, यहां माइनस था यहां भी माइनस हो गया तो यहां भी क्या आ गया माइनस, चेक करो मैच हो गया। अगर आपका ये तुम्हें सही लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ये परफेक्ट बैठेगा यहां गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां से भी आप पता कर सकते हो कि गलत है। अगेन देखो अब आपके पास दो बंदे x माइनस फाइव और x माइनस फाइव दोनों के पास है, आप यहां से आउट कर दो इसे। आप ऐसे सोचो दो लोग थे एक को पिकनिक भेज दिया तो यही तो बचेगा, इसको भी आपने पिकनिक भेज दिया तो बचा गया प्लस टू, ये कहलाता अच्छा। एक चीज और है इसमें जीरो रहना चाहिए इक्वल में, नहीं तो पॉलीमर बन जाएगा। ये आपका फैक्टर है इसे कहते हैं फैक्टर। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है फैक्टराइज तो करना है लेकिन जीरोस निकालना होता है। अब जीरोस क्या है, ये एक्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी वैल्यू निकालना आपका जीरोस कहलाएगा, या दूसरा नाम होता है रूट्स। तो जरा चेक करो एक्स माइनस फाइव इन फैक्टर्स को बारी बारी वन बाई वन जीरो के बराबर लो, एक्स इक्वल कितना हो गया फाइव। दूसरा देखो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना
जीरो, एक्स इक्वल कितना हो गया माइनस टू। दीज टू वैल्यूज आर नोन एज रूट्स और जीरोस, दीज टू वैल्यूज। तो ये आपको तो नाइन्थ में सीख कर आए हैं, बस यहां थोड़ा सा स्टेप एक ज्यादा जाना है और आपका रूट्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके अब आप समझिए जरा, अब आप नोट कर लीजिए, रफ कर लीजिए, फिर मैं आपको फैक्टराइजेशन के और आइडियाज देता हूं कैसे करेंगे क्वेश्चन। ओके रफ किया जाए, ठीक है। ओके देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर। अच्छा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगेन वही स्टेप बेटा, ये रहा ए, ये रहा सी, ए और सी का मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई 6, इसमें साइन नहीं लेते, यहां कुछ भी तुम ले सकते हैं, तो 12 आया। अब दो सोचो 12 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है बेटा, 2 है और 6 है, 12 का और एक फैक्टर है 4 × 3 है, एक और है 12 × 12, मल्टीप्लाई करने में सबका 12 आएगा, लेकिन क्या हमने ऐड सेपरेट करने पर 1 आना चाहिए, ध्यान देना उनको ऐड सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, ऐड सेपरेट करने पर यहां प्लस 1, तो 6 × 12 = 6 + 2 गया 4, नहीं आया हम 12 × 12 नहीं आया, इसमें इसमें भी नहीं आएगा, तो बच्चा कौन ये, लेकिन ये प्लस से ही है, तो मैंने कहा था ना जब माइनस से ही है तो बड़े वाले को माइनस ले लेते हैं, प्लस से ही तो बड़े वाले को प्लस ले लीजिए और छोटे वाले को माइनस, आपका प्लस 1 आ जाए। अब आइए जो फैक्टर हो गए देखो, मिडिल स्पीडिंग प्लस 4 − 3 और यहां पहले से क्या था माइनस 6, देखो एक्स में चल रहा तो क्या लगा देता है बच्चे, एक्स कर दिया, अब देखो 2x कॉमन ले लीजिए, ले लिया 2 से 2 कैंसिल डिवाइड कर दीजिए और 2x का 8x कैंसिल x, 2 से इसको डिवाइड करो 2 2 जा प्लस है तो प्लस और x बाहर निकल ही गया, यहां दोनों में 3 कॉमन है बेटा -3, तो देखो 3 से 3 कट गया x, 3 से डिवाइड कर दो 2 लेकिन प्लस आएगा, क्यों जरा देखिएगा, आपने कहा -3x का आप कॉमन क्या ले रहे बेटे, -3 से डिवाइड करो -3 कट गया x आया। दूसरा देखिए आपका दिया -6 आप कॉमन ले रहे हो -3 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 3 × 2 = 6 इसलिए प्लस 2 आया, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो देखिए एक्स प्लस 2 कॉमन लीजिए, आप जब आप एक्स प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचने वाला है 2x और यहाँ क्या बचेगा -3, ये क्या चल रहा है बेटा इक्वल 0 जो कंपलसरी है, इसे कहते हैं फैक्टर। अब आप देखिए 0 से बात करेंगे तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या ले लिया बेटा 0, तो एक्स इक्वल कितना है अगेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखिए 2x ये उस साइड ले जाइए प्लस 3 एक्स इक्वल क्या हुआ, इसे कहते हैं जीरोस या रूट्स, ओके तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बच्चे हम करने वाले हैं, ये रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। अब हम कर रहे हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसे दिया है 100x² - 20x + 1 = 0, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, रूल अभी वही बेटे 100 और 1 का मल्टीप्लाई, 100 के दो नंबर से सोचो 10 × 10 100 आ जाएगा बेटा, -10 और -10 लेंगे तो -20 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, क्लियर हो गया ना, आ जाएगा। तो आपने मिडिल वाले के दो हिस्से ब्रेक कर दिए बेटा, एक था 10 दूसरा भी था -10, लेकिन x चल रहा था क्या लगा दीजिए x, और जो ये लास्ट के और स्टार्टिंग के उन्हें लिख दीजिए। अब आप 100 और 10 10 कॉमन हुआ, x दो बार एक बार एक कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट 100 को 10 से डिवाइड करो 10 10 जा 100 2x से 1x आउट, ये सेम पूरा कैंसिल तुम्हारा आया, यहां कुछ भी नहीं कॉमन, मान लो देखो 10 और 1 कुछ नहीं कटेगा, ऐसे आना यहां नहीं है, 1 लेने पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस साइन बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा जरा देखो, प्लस 1 है आप डिवाइड किससे करो, जो कॉमन लेना तो -1 बनाना, इसलिए बेटे अब यहां 10x - 1 फिर से कॉमन लीजिए, 10x - 1 आप कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 बनेगा, अब ये आपका सॉरी बेटे ये 0 चलता रहेगा। अब आप क्या करिए बारी बारी 0 लीजिए, 10x - 1 = 0, तो 10x = +1, फिर यहाँ x की बात करें तो 1/10, ये दोनों सेम है तो दूसरे x इक्वल वैल्यू क्या आएगा
टेन, तो देखिए दोनों क्या हुए, इक्वल रूट्स हुए कि नहीं, इक्वल रूट्स आया। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है कहता व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब बिना सॉल्व के आप कैसे पता कर लेंगे रूट कैसा आएगा, दो डिफरेंट आएंगे या इक्वल आएंगे, तो उसका अलग टॉपिक है। तो देखो यहाँ दोनों सिमिलर रूट आ गए, अब आप क्या कह सकते हैं जीरोज हैं आपके, तीनों को क्या कहते हैं जीरोज है। ओके नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। ओके रफ कर दिया जाए, ओके ये रफ करते हैं बेटा, ये सिलेबस में है नहीं, बता दिया आपको। अभी अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे 2x² - x = 1 - 8 = 0। आप एलसीएम ले लीजिए, ज्यादातर बच्चों को मैं ऐसे डायरेक्ट कराया जा सकता है, लेकिन इजी क्या पड़ेगा वो देख लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हो 8 * 1 = 8, 1 से डिवाइडेड 8 * 2 = 16x², 1 से डिवाइडेड 8 * 1 = 8x, 8 से डिवाइड कैंसिल 1 * 1 = 2। ये डिवाइड हो जाएगा क्या हुआ बच्चे, मल्टीप्लाई 0 हुआ, ये क्या बना 16x² - 8x - 1 हो गया। अब ये वैसा बन गया जैसे हमने था, अगेन स्टेप क्या है बच्चे, स्क्वायर के साथ क्या 16 और अकेला नंबर कौन है 1, इनका साइन ले लेते बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 * 16 क्या स्टेप है, दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 16, ऐड सबट्रैक्ट करने पर -8। तो देखो अगर मैं 16 के दो नंबर ढूंढना चाहूं, 8 2 जा 16 1 जा 4 4 जा, ठीक है ये दोनों पॉसिबल नहीं है, कैसे 8 + 16 = 8 - 2 = 8 - 4 - 4 - 4 और ये रहा -1 एक्स में चल रहा है, और यहाँ क्या हुआ, सबको क्लियर होगा आपको कि 14 और 16 4 कॉमन है बच्चे, 4 दोनों को डिवाइड करता है, 4 लिया और x ले लिया, 4 6 से डिवाइड कर दो 4, 2x से कैंसिल, 4x से 4x डिवाइड -1 लो, यहां गलत हो रहा है कुछ, हां गलत ये हो गया, प्लस कैसे होता मैं पता दिया आपको कि पता लग जाता है यहां, क्योंकि माइनस अगर सोचो अगर माइनस रहने दो, जब आप यहां 1 कॉमन लोगे 4x + 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 1 डिवाइड करेगा, देखो -1 को कौन डिवाइड कर रहा है, -1 तो + 1 बन रहा है, इसके हिसाब से ये तो प्लस ये माइनस गलत हो गया, इसलिए पता लग गया भूल गए थे, साइन गलत हो गया, यहां आ गया माइनस है। अब देखो फिर से कॉमन 4x - 1 आप कॉमन ले लीजिए, जब आप ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चे 4x, और यहां से निकल गया क्या है -1, ये जीरो चलता रहेगा आपका। अब आप क्या करिए, फैक्टर आ गया ना, अब जीरो से निकालो, ये उस साइड जाएगा तो +1, और यहां क्या है 4x, x = 1/4। सिमिलरली यहां भी क्या जाएगा सेम बेटा 1/4, कहने का मतलब है ये भी ऐसा रूट है जिसके रूट्स भी इक्वल रूट्स आ गए, इक्वल रूट्स आ गए, तो बिना सॉल्व के कैसे पता करेंगे, आपको लास्ट में पता लग जाएगा। ओके अब करते हैं बेटा इसके नए क्वेश्चन, ओके एक लास्ट और एक क्वेश्चन मन में फैक्टर का, देखिए क्या ये रफ कर देता हूं, रफ वर्क भी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√2x² +7x +5√2 = 0, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बच्चे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखिए जरा ध्यान से, इसका इसे मल्टीप्लाई √2 × 5√2, यू नो दैट रूट मल्टीप्लाई ऑफ √2 √2 कितना हुआ 2, तो 2 × 5 का कितना है बेटा 10, अगेन प्रोसेस दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आए और ऊपर ऐड करने पर 7 आ जाए, तो आसान था बेटे, देखो जब सारे प्लस होते तो माइनस करने का भी सोचना ही नहीं, 5 × 2 = 10, 5 और 2 का सम कर दिया 7, जब ऑल प्लस होते हैं तो माइनस के बारे में कभी मत सोचो, आ गया। देखिए यहां पे दो फैक्टर 5x + 2x, यहां पर हो गया 5√2 = 0, इधर √2x², अब ध्यान से देखो ये और ये कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप केवल ले लो x, जब आप x लेंगे तो रूट टू तो बाहर नहीं निकाला ना, आपने 2x से 1x आउट किया तो 1x बचा, आप 5 बाहर नहीं निकाल रहे, x बाहर निकाल दिया, अगेन यहां कुछ कॉमन नहीं बन रहा, तो मुझे बताओ आपने पढ़ा है, मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे बेटा 9-10 मिनट्स का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स,
स्क्वायर रूट, तो वहां से देख सकते हो कि बता रहा हूं। फिर देखिए जब ये सेम सेम होते ना बेटा तो टू हंड्रेड बनेगा। ऐसे रूट थ्री रूट थ्री क्या हो जाएगा बेटे, थ्री हो जाएगा। रूट फाइव और रूट फाइव, तो रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो मुझे बताओ उस इस रूट के अकॉर्डिंग रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, अब ये टू रहेगा साथ में क्या था एक्स और यहां क्या है। अब आप क्या करो पता है, यहां रूट टू दिख रहा है नहीं, रूट वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ। यहां भी रूट टू है, यहां भी रूट टू, तो आपने रूट टू कॉमन लिया। जब आप ये कॉमन लोगे तो ये किसका बचेगा, बचेगा बाहर नहीं निकाला इन दोनों को, आप ये निकाल रहे हो बाहर तो बचेगा क्या। अब चेक करो मैच हो गया बेटे, और यहां क्या था, ठीक है मैच हो गया ना इस सेम सेम। अब ये कॉमन लीजिए, आप ले रहे रूट टू एक्स प्लस फाइव, और आप ये बचेगा क्या, एक्स बचेगा और क्या बचा रूट टू इक्वल टू कितना जीरो। ये आपका फैक्टर है, जीरो से कैसे निकालेंगे, वन बाई वन फैक्टर को इक्वल टू जीरो ले लीजिए। तो क्या आया एक्स इक्वल रूट टू एक्स, इधर फाइव माइनस फाइव और ये उधर जाके क्या हो गया। सिमिलरली यहां देखिए एक्स इक्वल कितना आ गया माइनस टू। यहां देखो टू डिफरेंट रूट आएंगे नहीं, टू डिफरेंट मैं बताता रहा हूं जिससे वहां कर रहा हूं आपको समझ में आए, डिफरेंट रूट आए। ये कब पता लगा बच्चे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे ये कब पता लग रहा है आपको, जब सॉल्व कर लेते हैं तब आपको क्लियर हो रहा है रूट्स कैसे आएगा। तो एक टॉपिक है इसमें जहां हम डायरेक्ट पता करेंगे बिना इसको देखो और बताओ, तो उसका एक ट्रिक है बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल टू जीरो, तीन कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन वन आज कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.2 का। हम अभी फैक्टराइजेशन की और प्रैक्टिस कराएंगे बेटा रूट्स के, ओके रूट्स के फैक्टराइजेशन की और प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।